स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव और साथ में उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं बी। बी में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीन, ठीक है। बी में सब आते हैं, ये याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो कि यार जो बी है, ये सब है, इनके बाद क्या क्या आ सकता है? इनके बाद एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ सकता है और आईएनजी की फॉर्म आ सकती है। एडजेक्टिव में बता चुका हूँ एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, तो बॉय की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है यहाँ पे? गुड बता रहा है, तो गुड क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। और एडजेक्टिव को कैसे निकालते हैं, कैसे रिदम पकड़ते? तुम गुड हो, तुम बैड हो, ऐसे रिदम निकालते। कॉन्फिडेंट का निकालना है, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है या नहीं है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, तो कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। बात करें नाउन ऑफ आइडेंटिटी, नाउन ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी ना तो नाउन होती है, ना एडजेक्टिव होती है, ना एडवर्ब होती है। ये एक तरह से क्या है, नाउन की पहचान होती है। पहचान मतलब, जैसे मैं एक लाइन बोलूँ, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। अब जो इंजीनियर है ये नाउन ऑफ आइडेंटिटी है, क्यों? क्योंकि जो इंजीनियर जो वर्ड है, जो पोस्ट है, किसी एक पर्सन की, किसी एक व्यक्ति की पहचान बता रहा है कि हाँ ये जो पर्सन है ये इंजीनियर है, बता रहा है ना। जैसे कोई इंसान सामने खड़ा है कि बोले कि ये ही इज ए इंजीनियर, तो वो इंजीनियर है, वो उसकी पोस्ट है। जो पोस्ट है वो ना तो नाउन है, ना एडजेक्टिव है। नाउन क्यों नहीं? क्योंकि ये एक ना तो बॉडी को छू रही, क्योंकि बॉडी को छूती है तो फिजिकल के अकॉर्डिंग नाउन बन जाती है, और अगर दिमाग को छूती, क्योंकि नाउन दो तरह से होती है, फिजिकल और नॉन फिजिकल। फिजिकल के लिए बॉडी को छूना जरूरी है, जैसे कोई इंसान बॉडी को छू सकता है तो वो फिजिकल है। दिमाग को छू सकती है, यानी कि कोई भी चीज़ जो दिमाग को छू सकती है, जैसे कोई प्रोसेस है, कोई किसी की क्वालिटी है, ये सब चीज़ें। तो नाउन ऑफ आइडेंटिटी क्या है? एक पहचान है, पोस्ट एक तरह से कोई पहचान है, ठीक है। एक किसी पर्सन की पहचान बता रहा है, तो वो नाउन ऑफ आइडेंटिटी होती है, ठीक है। आईएनजी वर्ब की थर्ड, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी, वो बी के बाद आती है, ठीक है। आगे चलते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं। सी कैन सक्सीड इन द एग्जाम, यहाँ पे कुछ आ सकता है क्या? आप बताओ, आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो आ रही है कुछ भी लगाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं, आई विल स्पेस, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, केयरफुल अबाउट माई ड्यूटीज। विल के बाद क्या है? वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि यहाँ नहीं आ रही। ये बी मैंने भर दिया पहले ही गलती से, ठीक है। यहाँ विल के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही। पर केयरफुल क्या है? एक तरह से एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम केयरफुल हो, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये रिदम सही बन रही है ना, रिदम सही बनती है। जैसे तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम केयरफुल हो, ऐसे अगर सही बन जाए, बोलने में सही लगे, तो वो एडजेक्टिव होता है। जैसे बोलने में सही लगे तुम गुड हो, तुम, हाँ बोलने में सही लग रहा है, तो कॉन्फिडेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। केयरफुल का पता करना है, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम केयरफुल हो, बोलने में सही लग रहा है, यानी कि केयरफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब एडजेक्टिव हो जाएगा, तो एडजेक्टिव के जस्ट पहले क्या आना चाहिए? मैंने बताया यहाँ पे बी आना चाहिए, है ना। और विल के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? वर्क की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो इसके लिए बी लाओ और इसके लिए वर्क की फर्स्ट फॉर्म लाओ, तो बी लगा देते हैं, जो कि इसके लिए वर्क की फर्स्ट फॉर्म हो गई और इसके लिए बी हो गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस इसे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इट मे हैपन्स एनी टाइम, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, मे क्या है? मे के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ऑलरेडी यहाँ पे, ये वर्ब ही है। वर्ब को कैसे पता करते हैं? मैंने वर्ब भी बता दिया आपको अच्छे से। कैसे पता करते हैं? या तो वर्ब जो वर्ड है उसमें या तो आईएनजी एक्सेप्ट कर रहा हो या ईडी एक्सेप्ट कर रहा हो, इन दोनों में कुछ ना कुछ एक एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हैपन्ड, हाँ वर्ब एक वर्ड होता है हैपन्ड, तो ये सही हो जाएगा। हैपनिंग भी होता है, दोनों तरफ से सही हो रहा है, यानी कि ये वर्ब है। और यहाँ पे मैं के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, बिना लगाए ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ट्रेन में ब्लैंक स्पेस लेट बाय 6 आवर्स, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। जो कि जैसे मैंने बी भर दिया पहले से, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, लेट क्या है? लेट क्या है बताओ, आप बताओ क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे पता चला मुझे? वो रिदम पकड़ो, क्या रिदम है वो? गुड़ो, तुम बैठो, तुम लेट हो, हाँ बोलने में सही लग रहा है ना, सही लग रहा है। जैसे तुम गुड़ो, तुम बैठो, तुम कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव। तुम गुड़ो, तुम बैठो, तुम लेट, तुम लेट हो, तो लेट क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव ऊपर बताया मैंने, एडजेक्टिव के पहले क्या आता है? बी आता है। यहाँ पे बी आना चाहिए और मे के हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पे बी डाल दिया मैंने, तो इसके साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, इसके हिसाब से बी, फिर ये सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी लगाना पड़ेगा ब्लैंक स्पेस में। अगला देखते हैं, दिस क्वेश्चन कैन नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे क्या, ये क्या है? कैन नॉट, कैन क्या है? वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, वर्ग ये क्या है? कैन
इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, करेक्ट क्या है, सही करना या गलत करना, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सही करना गलत करना वाला नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। करेक्ट, करेक्ट दो तरह से होता है, एक करेक्ट होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है सही या गलत, और एक करेक्ट होता है वर्ब जिसका मतलब होता है सही करना, जिसका मतलब होता है सही करना, है ना। तो ये जो वर्ब है ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये वाला करेक्ट क्या है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। तो ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव 10 पहले क्या आता है, मैंने ऊपर बताया था क्या आता है, बी आता है, तो बी डाल दे, कैन नॉट बी करेक्टेड, कैन नॉट बी करेक्ट, ये हो जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव आ जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव के हिसाब से यहाँ बी आ जाएगा, ठीक है। और कैन के हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ गई, कैन के हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ गई, करेक्ट के हिसाब से एडजेक्टिव इधर से पहले बी आ गया, तो ये से सही हो जाएगा, जो यहाँ पे बी लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आई मस्ट रिमाइंड, यहाँ रिमाइंड मैंने लिख दिया पहले से, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस था, आई मस्ट रिमाइंड हिम ऑफ हिज एग्जाम, तो ये मस्ट के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ पे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और ये वर्ब भी है। वर्ब को कैसे निकालते हैं, या तो वर्ड जो है वर्ब के लिए जो वर्ड है वो उसमें आई एन जी ले रहा हो या फिर ईडी ले रहा हो, दोनों में से कुछ ना कुछ ले रहा हो, अगर वो ले रहा है तो वो वर्ब है, मस्ट के बाद वर्ब भी है, ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये वाला वैसे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द टीचर मे ब्लैंक स्पेस अनोयड विद यू, अब मे के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है, और अनोयड क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव एक और अलग तरह के होते हैं, वो है होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या है, एडजेक्टिव होते हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, एनोई क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये अनोइड, ये क्या है, टीवी थर्ड हो जाएगी, टीवी थर्ड हो जाएगी, तो यानी कि क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को जस्ट पहले क्या आता है, बी आता है, और मे के हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए बाद में, मे के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बी, और उसके हिसाब से ये हिसाब से इसके हिसाब से एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव काम कर देगा, और इसके लिए ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का काम कर देगा, बी क्या है, मे के लिए वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, और बी क्या है, एनोड के लिए बी हो जाएगा, ताकि ये एडजेक्टिव की तरह प्रॉपर काम कर लेगा, ठीक है। ये अलग चीज आई थोड़ी, टीवी की वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव होती है, ठीक है। जैसे अफेक्टेड, अफेक्टेड एरिया, तो कौन सा एरिया, अफेक्टेड एरिया, तो अफेक्टेड जो है वो एरिया को डिफाइन कर रहा है, यानी कि एरिया को डिफाइन कर रहा है। जैसे गुड बॉय, जैसे बॉय को कौन डिफाइन कर रहा है, गुड वर्ड जो डिफाइन कर रहा है, जो गुड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव, वैसे ही अफेक्टेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसे वो एरिया को डिफाइन कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, यह है अगला, दिस कस्टमर मे नॉट ब्लैंक स्पेस लाइक योर प्रोडक्ट, मे नॉट, मे के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लाइक वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही है, क्योंकि लाइक्ड ये ईडी भी ले रहा है और आईएनजी भी ले रहा है, ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये सही है, और यहाँ पे एडजेक्टिव तो आ ही नहीं रहा, तो वैसे ही सही हो जाएगा, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मे के हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, सीधा बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो कोई कुछ लगाने की जरूरत है ही नहीं, तो ऐसे सही हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं लगाना इसमें। दिस बिजनेस विल ब्लैंक स्पेस प्रॉफिट एवरीवन, विल क्या है, वर्ग के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लेता है, प्रॉफिट वर्ग की फर्स्ट फॉर्म भी है, ठीक है, हाँ ठीक है, आगे कुछ आया नहीं था, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव आता है तो बी लगाने पड़ता है, ये वर्ब ही है, वर्ब है, क्योंकि प्रॉफिटिंग होता है, वर्ब ही है, तो ये हिसाब से ये कुछ नहीं लगाना, ऐसे सही हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। ये वाला देखते हैं, दिस एक्सरसाइज कैन ब्लैंक स्पेस बेनिफिशियल टू एवरीवन, अब कैन क्या है, कैन के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, और बेनिफिशियल क्या है, बताओ क्या है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल में आई एन जी और ई डी ले रहा है कि बेनिफिशियलिंग, बेनिफिशियल नहीं होता ही नहीं, कुछ ही वर्ड ही नहीं होता, तो ये वर्ब तो नहीं है, और कैन के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जो कि यह तो नहीं है, तो यहाँ पे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फिर ये क्या है, ये वर्ब नहीं तो कुछ ना कुछ तो है, तो अब इसको तुम गुड हो तुम बेड से करके देखो, तुम गुड हो तुम बेड हो तुम बेनिफिशियल हो, हाँ सही बन रहा है ना, बोलने से लग रहा है, यानी कि क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, तुम गुड हो तुम बेड हो तुम बेनिफिशियल हो, तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जैसे पहले मैंने अभी क्या बताया था, बताओ क्या बताया था, क्या आता है, बी आता है, तो यहाँ पे क्या डाल दो, बी, तो कैन के हिसाब से ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बी, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, बी, बी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये बी लगाने पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये तो हो गया अपनी एक्सरसाइज, अब एक बार फुल अच्छे से एडजेक्टिव को पूरा रिवाइज कर लेते हैं, कि कैसे एडजेक्टिव, बहुत सारों को नहीं पता होगा कैसे एडजेक्टिव में तुम गुड़ो तुम बेड़ो कैसे, क्यों बोल रहा हूँ, कैसे आ रहा है ये,
तो एडजेक्टिव फाइंड निकालने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड और स्टिकर मेथड। डायरेक्ट मेथड जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, जैसे गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है। पहले तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं, जैसे ये कोई नाउन है, गणेश कोई नाउन है, कोई लड़का है उसका नाम गणेश है, नाम नाम क्या है, एक नाउन होता है संज्ञा, है ना, तो ये नाउन हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो कुछ भी लिख दो, जैसे ये कोई पर्सन ले लो, इसको ये पर्सन हो गया, ठीक है। वो पर्सन यहाँ पे इसके आगे डाल दो गुड, गुड, तो ये पर्सन की क्या विशेषता कौन बता रहा है, इस पर्सन की विशेषता कौन बता रहा है, ये गुड वर्ड जो बता रहा है, गुड पर्सन, गुड पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन। तो ये पर्सन क्या है, नाउन है, और इसकी जो क्वालिटी है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये गुड। तो गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो कि नाउन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे ही बेड क्या हो जाएगा, बेड पर्सन, बेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये रिदम पकड़ लो, किसी भी वर्ड की निकालनी हो अपन को, एडजेक्टिव है या नहीं है, तो ये रिदम पकड़ लो, तुम गुड हो, तुम बेड हो, अब बिजी का निकालना है, एडजेक्टिव है या नहीं है, तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम बिजी हो, बोलने में सही लग रहा है यानी कि बिजी, एडजेक्टिव। केयरफुल का निकालना है, रिदम पकड़ो, केयरफुल एडजेक्टिव है या नहीं पता करना है, तो तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम केयरफुल हो, यानी केयरफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कॉन्फिडेंट का निकालना है, एडजेक्टिव है या नहीं है, रिदम पकड़ लो, रिदम नहीं टूटनी चाहिए, तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम कॉन्फिडेंट हो या तुम केयरफुल हो, तुम बिजी हो, अगर सब रिदम में सही आ रहे हैं तो ये सब क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। एक और मेथड है एडजेक्टिव का, वो है स्टिकर मेथड। स्टिकर मेथड भी वही है जो यहाँ पे लगाया मैंने, नाउन के जस्ट पहले उस वर्ड को लगा लो जिस वर्ड को निकालना हो कि हाँ ये एडजेक्टिव है या नहीं, जैसे गुड और बेड का निकालना था तो बॉय के जस्ट आगे लगा दे गुड बॉय, बेड बॉय, बोलने में से लग रहा है यानी कि दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है। गुड रजिस्टर, बेड रजिस्टर, गुड गुड पर्सन, बेड पर्सन, है ना, कॉन्फिडेंट बॉय, कॉन्फिडेंट गर्ल, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट गर्ल, तो सब क्या हो जाएंगे, आगे वाले वर्ड एडजेक्टिव हो जाएंगे। एक और चीज़ है ये टीवी की थर्ड फॉर्म, टीवी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, ठीक है। टीवी है, अफेक्ट अफेक्ट जो वर्ब है वो टीवी है, टीवी एरिया, और एक गुड एरिया, तो यहाँ पे क्या है, एरिया को कॉमन ले लो, तो अफेक्टेड और गुड दोनों बराबर हो जाएंगे। एरिया को एरिया से काट दिया मैंने, यानी नाउन को नाउन से काट दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अफेक्टेड गुड के बराबर हो जाएगा, क्यों, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो अफेक्टेड भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब वन वर्ड देख लेते हैं, चार वन वर्ड आज के। बिब्लियोफाइल क्या हो जाएगा, पुस्तक प्रेमी। सैनिक क्या हो जाएगा, कटु स्वभावी। और कॉन्स्क्रिप्ट क्या हो जाएगा, सेना में जबरदस्ती भर्ती किया गया व्यक्ति, ठीक है। और कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा, रूढ़िवादी। और एडम फ्रेज क्या हो जाएंगे आज के चार, उनको भी देख लेते हैं। गिव अप एन आइडिया, गिव अप एन आइडिया, विचार त्याग देना। डन टू डेथ, इसका क्या मतलब हो जाएगा, मौत के घाट उतार देना। रब समवन द रोंग वे, उसको नाराज करना। इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर, यानी परेशानी में होना, ठीक है। तो ये हो गए आज के एडजेक्टिव, प्रैक्टिस है जो, इसको एडजेक्टिव का रिविजन भी हो गया, ठीक है। रोज़ के रोज़ मैं करंट अफेयर डाल रहा हूँ, तो आप उनको भी चेक कर लीजिए, और अपना इंग्लिश चल ही रहा है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके जो दोस्त हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी चैनल से जुड़ सके और इंग्लिश को सीख सके और करंट अफेयर अच्छे से याद कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।